हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपका भी फ्लिपकार्ट में OTP नहीं आ रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट में हम OTP प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पे अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हमारा जो फ्लिपकार्ट का OTP है वो क्यों नहीं आ रहा है और इसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम अपने फोन में ये फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेते हैं। ये रहा फ्लिपकार्ट, ओपन किया। चलिए अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो नीचे जाते हैं और तो यहाँ पे माय अकाउंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हो सकता है आपका अकाउंट पहले से ही बना हो, आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर आप अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उसमें आपको OTP की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पे आपका अगर OTP नहीं आता है तो उसे कैसे आप ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले तो दो तीन चीजें हैं जिसे आपको समझना होगा और इसे आपको पहले फॉलो करना होगा, उसके बाद हो सकता है आपका ठीक हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको आगे का स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे अपना नंबर डाल के देख लेते हैं। पहले तो ये मैंने नंबर डाला, सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं कोई भी OTP यहाँ पे नहीं आ रहा है। चलिए वेट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी टाइम हो गया है लेकिन यहाँ पे हमारा OTP नहीं सेंड हो रहा है। तो इसके बाद आपको एक रीसेंड OTP का आता है ऑप्शन, रीसेंड पे क्लिक करेंगे। फिर भी यहाँ पे मुझे कोई भी OTP नहीं जा रहा है, ना यहाँ पे वेरीफाई भी नहीं हो रहा है, देख सकते हैं। तो इसी तरह से प्रॉब्लम आप में भी आ रहा होगा, कोई भी OTP नहीं जा रहा है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन। सबसे पहले तो यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं और अब यहाँ पे आपको दो तीन स्टेप्स करने हैं जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको चेक कर लेना है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, चेक कर लेना है कि आपका जो नेटवर्क है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। कई बार लोगों का नेटवर्क ही नहीं आता है तो इसके कारण से जो आपका SMS है वो भी नहीं आ पाता है। तो फिलहाल तो मेरा नेटवर्क फुल आ रहा है, तो नेटवर्क चेक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार अपने फोन को कर लेना है यहाँ से फ्लाइट मोड। ये जो प्लेन का जो ऑप्शन दिख रहा है इससे फ्लाइट मोड करना है और वापस से फ्लाइट मोड हटाना है। उसके बाद आपको ट्राई करके देखना है, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो अब आपको जाना है कहाँ पे, ये SMS पे देख सकते हैं मैसेज का जो लोगो है, इस पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है, देन जाना है ऐप इन्फो पे। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे परमिशन पे और उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे जो SMS का परमिशन है वो अलाउ है कि नहीं। SMS पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये अलाउ ही होना चाहिए। तो अगर आपका ये हो सकता है डिनाई हो गया हो तो अलाउ पे क्लिक करना है और उसके बाद बैक करना है और ये परमिशन हमारा अलाउड है। अब यहाँ से हम बैक आते हैं। अब आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका SMS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आपको अब एक बार फोन को करना होगा रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने के बाद आपका हो जाएगा सक्सेसफुल, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको फ्लिपकार्ट में जाना है और ये देखिए जैसे ही मैंने कि यहाँ पे अपने आप ही जो SMS है वो यहाँ पे वेरीफाई हो गया, देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया, SMS अपने आप ही आ गया और यहाँ पे वेरीफाई होके हमारा अकाउंट भी यहाँ पे खुल गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने आसानी से आप फ्लिपकार्ट का जो OTP प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं।